नमस्कार, मैं शिल्पा ट्रीटमेंट टीम में आपका स्वागत है। भाजपा जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चों की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चों के प्रदेशाध्यक्ष करणदेव कंबोज थे तथा अध्यक्षता ओबीसी मोर्चों के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रहनवाली ने की। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा तथा ओबीसी मोर्चों के अध्यक्ष सुरेंद्र रहनवाली ने करणदेव कंबोज का भुक्का भेंट कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर करणदेव कंबोज, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, रविंद्र बलियाला पंचनम सेवा सदन में पहुंचे, जहां पंचनम स्मारक ट्रस्ट द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान करणदेव कंबोज सहित आए हुए अतिथियों ने सदन में बन रही धर्मशाला का निरीक्षण किया। पंचनम सेवा सदन के सदस्यों ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह में शोर उड़ाकर सम्मानित किया। कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी मोर्चों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन करने के लिए ई प्रशिक्षण कार्य चले रहा है और ये हमारे पूरे प्रदेश में हर जिला में जो है ना कार्यक्रम है, 25 सितंबर तक हमने काम पूरा करना है। आज इसी कार्यक्रम के तहत मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने फतेहाबाद जिला के कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटियाँ लगाई हैं सभी लोगों की, कि अपने कार्यकर्ताओं को जाकर के उनको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत से बातचीत करनी, और ऐसा कोई नया काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो राजनीति जो करता है वो सेवा के लिए करता है। हमारी कोई भी, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश स्तर सरकार की योजना हो, उसको नीचे तक जो है ना इम्प्लीमेंट कराना, ऐसा कोई काम अपने हाथ में लेना, तो ओबीसी मोर्चे ने प्रत्येक गांव में जो दूध का काम करने वाले लोग हैं, दूध सप्लायर हैं, मिल्क वेंडर हैं, उनको प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़ना, ऐसा ओबीसी मोर्चे ने जो है एक काम अपने हाथ में लिया है। मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, फतेहाबाद के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी फतेहाबाद जिला के अंदर दूध का सप्लाई करने वाले लोग हैं, जिनको दूधिया भी कहते हैं, उन सबको इस स्कीम के साथ जोड़ करके उस स्कीम का लाभ उन तक पहुँचे। तो इस प्रकार का जो मैंने निवेदन भी किया है, और सरकार की जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं, जो गरीबों को समर्पित योजनाएं हैं, उनका भी मैंने थोड़ी सी चर्चा यहाँ हमने कार्यकर्ताओं के बीच में किया, ताकि जो है ना आगे जा कर के लोगों में जा कर के पब्लिक में जा कर के इन स्कीमों को जो है ना वो जा कर के बता सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके। अब तक के लिए इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।